एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए। सरिता ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए। परंतु वह 40 अंक से फेल हो गई। परंतु वह 40 अंक से फेल हो गई। अंकुश ने 40% अंक प्राप्त किए। 40% जो उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का कुल परिणाम क्या था? पास होने के लिए या उत्तीर्ण होने के लिए कितने मार्क्स होंगे? ये अपने उत्तीर्ण होने के लिए कंडीशन देख रहे हैं, यानी कि दोनों की कंडीशन जो होगी वो उत्तीर्ण की होगी। अगर एक के आपने उत्तीर्ण कर दिया एक को अनुत्तीर्ण कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा आपका सवाल। तो पास होने के लिए यानी कि 25% अंक उसने प्राप्त किए थे, लेकिन परंतु क्या हो गया, वो 40 अंक से फेल हो गई। इसका क्या मतलब है कि अगर वो 40 अंक और लाती तब जाकर पास होती। फेल का मतलब यही हुआ ना, यानी कि अगर वो 40 अंक और लाती तो वो जाकर क्या हो जाती, पास होती। अपने किसका देख रहे हो, उत्तीर्ण का देख रहे ना, यानी कि 25% अंक प्राप्त किए लेकिन वो 40 अंक से फेल होगी। इसका मतलब है 40 अंक और लाती तो जाकर वो पास होती। दूसरे की क्या कंडीशन है, उसी परीक्षा में अंकुश ने 40% अंक प्राप्त कर लिए। कितने प्रतिशत? जो उत्तीर्ण से 35 अंक अधिक थे। 35 अंक क्या थे? अधिक थे। अगर ये 35 अंक कम लाता तो भी क्या हो जाता, पास हो जाता ना, उत्तीर्ण हो जाता। यानी कि 35 अंक कम लाता यानी कि -35। ये +40 और -35 क्या पता चल गया ना कैसे किया है। तो नेक्स्ट देखेंगे प्रतिशत और एक साइड और बाकी संख्या एक साइड। ये 25% ये है, ये प्लस का 40 इधर है, किसको जाएगा? माइनस का 40 हो जाएगा। ये माइनस का 35 तो पड़ा ही है, ये प्लस का 40 इधर है, किसको जाएगा? माइनस का 40। अब ये देखिए 25% और माइनस के 40% ज्यादा कौन से है? 40 से ना उसके आगे निशान कौन सा है? माइनस। तो यहां भी क्या है निशान? माइनस। कितने ज्यादा है? 15% बराबर। ये जब दोनों माइनस के होते हैं ना, प्लस नहीं, वो गुणा के अंदर प्लस आता है। जब दोनों माइनस है तो यहां भी निशान क्या आएगा? माइनस। और दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। कितना आएगा? 75 आएगा ना। अब इस माइनस से माइनस काट दो, ठीक है। अब 15% कितने बराबर आ गए? 75। यानी कि 15% किसके बराबर है? 75 के। तो अपने को कुल परिणाम का 100% अपने को देखने कितने होंगे। तो 1% निकालने कितना आएगा? 15 5 75 5 आ जाएगा। तो 100% कितना आ जाएगा? 5 × 100 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहां से देखते हैं कि अगर आप यहां से नहीं काटते कि आप कचाते हो कि 75/15 बचा रहे, फिर आप यहाँ से देखें कई बार ऐसा होता है 75/15 और गुणा में 100, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 15/75 5 × 100 कितना आएगा? बात तो वही है, ठीक है। चाहे पहले काट लो चाहे बाद में काट लो, आंसर तो सेम आएगा ना। यानी कुल परिणाम